75 पॉइंट्स का ये ट्रेड था, आप देख सकते हैं 75 पॉइंट्स डॉट टू डॉट करते जाइए, ट्रेल बुक कर लीजिए जहां तक ट्रेल कर सकते हैं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, खेल खत्म। ना तो बाजार ने फिर बाद में हमें टॉप दिया ना तो बॉटम दिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग, एक बार फिर से सब लोग का मोस्ट वेलकम है आज की इस एक न्यू वीडियो पर अपने चैनल एकलव ट्रेडर्स पर और पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज की जबरदस्त वीडियो में, है ना। तो आज था बाजार कौन सा, आज था जनरली मार्केट 13th of September का। 13th of September के बाजार में कहां पर दिन का फर्स्ट ट्रेड बना और उस ट्रेड का लॉजिक क्या था, क्योंकि लॉजिक इज बेटर, ओके, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लॉजिक था, ऑप्शन चेन के साथ समझेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर मतलब इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग टूल के साथ प्रॉपर डिटेल्ड में एनालिसिस करके पूरे बाजार को, है ना। उससे पहले आपने अगर अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं हर दिन लाइव रहता हूँ, जिन्हें नहीं पता तो लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गए लाइव करते हुए, लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब हर दिन 4 से 5 घंटे हर दिन लाइव आप देख सकते हैं। वीडियोज आप लोग के लिए कई सारी, मैंने ढेर सारी वीडियो डाल के रखी है, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अवेलेबल नॉलेजफुल वीडियोज एंड लर्निंग कॉन्टेंट्स के लिए, ठीक है ना। अभी तक आपने अपना AOS टूल को सब्सक्राइब नहीं किया, AOS टूल मतलब क्या होता है, एक्यूरेट ऑप्शन सेलिंग टूल, एक्यूरेट ऑप्शन सेलिंग टूल स्पेशली फॉर ऑप्शन सेलिंग के लिए मैंने डिजाइन किया है, और 60,000 का कैपिटल रिक्वायर्ड है, 60,000 से आप कर सकते हैं, वीकली का 1.5% से ऊपर का रिटर्न निकला है, जो कि 7 महीने की पास्ट बैक टेस्टिंग में निकला है। ये उसका चार्जेस है, फॉर कम्युनिटी मेंबर है आप अपने तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। जिन्हें मेरे साथ सीखना है प्रॉपर बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर, तो वो लोग प्रॉपर अपनी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैं प्रॉपर बेसिक टू एडवांस सिखाता हूं, नाइट में क्लासेस एंड लाइव ट्रेडिंग भी होती है। तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पर फ्लैश कर रहा होगा, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए खोलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर, प्रॉपर समझते हैं, पूरे बाजार को एनालिसिस करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही एलटीपी कैलकुलेटर में पहली बार तो डेटा आया, डेटा आती हमको क्या सीन देखने को मिला, डेटा आती हमको ये सीन देखने को मिला कि 25,300 पर सपोर्ट, 25,300 पे ये सपोर्ट, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,000 तक सपोर्ट, वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस कहां पर, रेजिस्टेंस अपना 25,000 पर जो कि स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट WTB, ये सीन डेटा आने पे मिला, ठीक है। डेटा को हमने आगे प्ले किया, डेटा को और आगे प्ले कर रहे हैं, और आगे प्ले करते गए, ठीक है, चेंजेस आ गए डेटा में, लीजिए सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट यहां पर 25,300 पर ही है, बट थोड़ा सा मैं इसको और पीछे करता हूं, थोड़ा सा और पीछे किया गया, क्योंकि हर एक चेंजेस ऑप्शन चेन में बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए चेंजेस ये आ गया, ये देखिए सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ 25,300 से 400 में, हुआ वीक टुवर्ड स्टॉप 300 से 400 में, क्यों, क्योंकि इसका 92% है और यहां पर 200 में 81% है, देख सकते हैं सिमिलैरिटी वॉल्यूम्स में सपोर्ट सेट, इसलिए ये सडन WTT हुआ, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आ गए, रेजिस्टेंस अपने वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया 400 से 500 में, रेजिस्टेंस इज क्लियरली वीक टुवर्ड स्टॉप, ये बात हम यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे करते हैं नेक्स्ट, सपोर्ट सडन WTB हो गया 300 से 200 पे हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस WTT, डेटा को और आगे प्ले करते हैं, और आगे प्ले करते हैं, देखते रहिएगा, सपोर्ट शिफ्ट हो गया, देखिए सपोर्ट शिफ्ट हुआ 300 से 200 में और फिर से शिफ्ट हो गया 200 से 300 में, मतलब सपोर्ट अभी भी WTB है, ठीक, सपोर्ट की कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई 300 से 200 पे, वीक टुवर्ड्स बॉटम है सपोर्ट, रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप 400 से 500 में, लगभग 90% के आसपास ये वीक टुवर्ड्स टॉप है अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। डेटा को मैंने और आगे प्ले किया, सपोर्ट वापस शिफ्ट हो गया, बस ये शिफ्ट हुआ फिर आया, ये सीन चल रहा था, मतलब बहुत सिमिलैरिटी वॉल्यूम्स में, बेहद सिमिलर वॉल्यूम्स है, तो रेजिस्टेंस अभी क्या दिख रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप, बट परसेंटेज क्या हुआ, घट गया परसेंटेज, 90 था तो 85 हो गया, मतलब ऊपर की तरफ जो कमजोरी थी बाजार में, रेजिस्टेंस जो क्रिएट करा था कम कर दिया है, ठीक, सपोर्ट नीचे की तरफ की जो कमजोरी थी, नीचे की तरफ का जो खिंचाव था उसने कम कर दिया, कैसे कम कर दिया, क्योंकि सपोर्ट अपना देखेंगे आप WTB था लगभग 99%, इसका परसेंटेज जो हो चुका है 92, मतलब नीचे का जो प्रेशर वो कम कर दिया है, ठीक है, ये सब सीन पता चल गया। और आगे प्ले करते रहिए, अब कितना हो गया, देखिए परसेंटेज को देखिए, जूम करिए यहां पर, देखिए यहां पर 87% हो गया 87%, परसेंटेज घट रहा है, सपोर्ट WTB का परसेंटेज घटेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ का दबाव बढ़ेगा, नीचे की कमजोरी खत्म होगी, ऊपर का दबाव बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस का क्या हाल है, परसेंटेज और घट गया, 81% हो गया, घट रहा है परसेंटेज, ठीक है। डेटा को और आगे हम प्ले करते गए, और आगे बस बस बस, चलिए सपोर्ट के क्या हुआ,
सपोर्ट अब स्ट्रांग हो चुका है प्रॉपर, ये देखिए स्ट्रांग 100%। मैं मानता हूं बेहद स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहां पर 73% अभी भी है बट ये घट रहा है, दैट्स डिक्रीजिंग। तो सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस कैसा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, ये देखिए हैवी टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस, लगभग 83% ही वीक टुवर्ड्स टॉप है। यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि 69% की वॉल्यूम है, 62% की वॉल्यूम है, तो नजर बनाकर रखना पड़ेगा। तो सपोर्ट स्ट्रांग, WTB से सपोर्ट स्ट्रांग हुआ तो ऊपर का दबाव, रेजिस्टेंस ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स टॉप है तो ऊपर का खिंचाव भी बना है। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड कहां से करेंगे, ट्रेड हम करेंगे बॉटम से, बॉटम मिलेगा तो वहां से बुलिश ट्रेड सी का प्लान करेंगे। अब लाइंस कहां पर खींचते हैं, चलिए लाइंस खींचते हैं। एक लाइन हम सबसे पहले खींच लेते हैं ईओएस पे, क्या वैल्यू आ रही है ईओएस की, जो वैल्यू आ रही है यहां पर हमें आ रही है 25,290, 290 पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, 290 पे आए तो हम कॉल बाई कर लेंगे नो डाउट। एक लाइन में कहां पर खींच लूंगा, देखिए पूरी लाइन देख लेते हैं। एक लाइन फर्स्ट डाइवर्जन, वहां से उड़ेगा तो पहला डाइवर्जन 341, ठीक है यहां पर खींच लेंगे। एक यहां पर खींच लेंगे 350 के कॉल साइड के डाइवर्जन में, यहां पर क्लिक करिए 391 में एक लाइन खींच लेंगे। जो ईओआर है अभी 400 पर, वहां पर भी लाइन खींच लेंगे 400 बैरिस। ये सारी मैजिकल लाइंस हम चार्ट पर जाकर के अपने ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखेंगे सारी की सारी, जब मैं लाइव था यूट्यूब में तो हम लोगों ने पूरी मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर ली है ना। ये ईओएस की लाइन ड्रॉ कर ली 294, ठीक, जो आ रहा था उस टाइम पर वर्जन 24 में वैल्यू आ रही थी वो मैंने ड्रॉ किया। टारगेट ड्रॉ किया 352, ईओआर -1 396, डे हाई मतलब ईओआर 430। ये हम लोगों ने सारी मैजिकल लाइन जो करंट सीन के हिसाब से बन रही है वो ड्रॉ कर लिया, जितनी अभी जरूरत थी, जितनी अभी काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से नो डाउट ड्रॉ कर लिया, ठीक। डेटा को और आगे थोड़ा सा वो करिए, हिस्टोरिकल थोड़ा सा 930 कर दीजिए। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप अभी भी है। और आगे फिल्टर कर देते हैं डायरेक्ट 940 का खोल करके, 940 में खोलते हैं, ठीक है ना, 940 में खोलिए, थोड़ा सा और ऊपर करिए 940 बस फिल्टर। अब देखिएगा अब यहां पर क्या चेंजेस आए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए सपोर्ट का परसेंटेज कितना था, 73 था, 73 से कितना हो गया, जूम करके देखिए 64 हो चुका है, मतलब यहां पर ऑलमोस्ट परसेंटेज घट चुकी है। सपोर्ट एक तगड़ी तरीके से स्ट्रांग है, WTB से स्ट्रांग हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ का प्रेशर है, दबाव है, ठीक। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस सडन अभी अभी WTB हो चुका है, ठीक, रेजिस्टेंस सडन अभी अभी क्या हो चुका है, WTB हो चुका है। बट हम जानते हैं जब सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस WTB है, ठीक, बट यहां पर हम देख पा रहे हैं 25,500 में सिमिलर वॉल्यूम है, यहां पर देखिए 25,500 में सिमिलर वॉल्यूम है तो हमें उतना हड़बड़ाना नहीं है, ठीक। हम इस बात को जानते हैं थ्योरीज में, जिन्हें डिटेल्ड सी हुए पता है तो जानते होंगे कि अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहता है तो वहां से एक डाइवर्जन का रिवर्सल आ जाता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। रेजिस्टेंस WTB हो गया, सपोर्ट स्ट्रांग है, गिरेगा भी बाजार तो कहां से गिरेगा, गिरना भी है चलिए, भी क्वाली आनी, सेलिंग आनी है तो कहां से आएगा, टॉप से आएगा, टॉप कहां पर है, 400 का टॉप है, 400 का टॉप लगाएगा, 350 का टॉप लगाएगा, 350 पे क्लिक करिए, 396 लगाएगा तब गिरेगा। तो लॉजिक समझिए, हर चीज का लॉजिक होता है, ठीक है। अब बात करता हूं ट्रेड की, तो दिन का जो पहला ट्रेड था अपना वो हम लोगों ने कहां पर लिया, ऑलमोस्ट इस टाइम पर, ये देखिए ये वाला इधर पे गिरी, हाँ 9:30 में राइट लिया, मतलब ये सिनेरियो बनने से ठीक 10 मिनट पहले, जब ये सब रेजिस्टेंस WTB नहीं हो तो उसे 10 मिनट पहले हम लोगों ने ये कॉल का ट्रेड देखी, ईओएस पे बाजार राइट टच किया, और ईओएस से आप मेजर करेंगे, हाँ मेजर करिए, यहां से ऐसे क्लिक करके ये मेजर करेंगे तो ऊपर और बस ये देखिए, और नीचे बस 75 पॉइंट्स का ये ट्रेड था, आप देख सकते हैं 75 पॉइंट्स डॉट टू डॉट करते रहिए, ट्रेल बुक कर लीजिए जहां तक ट्रेल कर सकते हैं और क्या, बस। तो ये एक दमदार ट्रेड था, कितने बजे बना, 9:30 में आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन का, जिन हो सकता है और डाउट हो ये 9:30 में क्या था, 9:30 का देखिए, 9:30 ये रहा 9:30 यस फिल्टर, ठीक। क्या सिनेरियो है, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस WTT, बॉटम से रिवर्सल, सो दिस इज द बेहतरीन ट्रेड ऑफ द डे, ये आज के दिन का एकदम सॉलिड और बेहतरीन ट्रेड था, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे लगभग 10:30 करते हैं, ठीक है ना, 10:30 फिल्टर, डायरेक्टली फिल्टर। अब देखिए आगे क्या क्या सीन बना, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस WTB, रेजिस्टेंस WTB हो गया, सपोर्ट स्ट्रांग रह गया, बाजार ने क्या हमें कोई टॉप दिया, बाजार ने हमें कोई सेफेस्ट टॉप नहीं दिया, और रेजिस्टेंस WTB का परसेंटेज अटका रह गया, जाम लग गया, ठीक, क्योंकि इसका परसेंटेज 9:40 में तो रेजिस्टेंस WTB हुआ, 9:40 से 10:40 एक घंटे वाला तो होगा नहीं, 2 घंटे 11:40 करते हैं, ठीक है,
11:40 कर दीजिए, 11:40 बस, बस फिल्टर 11:40 देखिए, रेजिस्टेंस अभी भी डब्ल्यू टीवी से क्या होने लगा, स्ट्रांग होने लगा, सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, साइडवेज बाजार फंस गया, कहीं नहीं गया, क्योंकि ईओएस से एक बार ऑलरेडी इसने रिवर्सल दे दिया है। और आगे देख लीजिए, 12:30 कर लीजिए, 12:30 बस, 12:40 फिल्टर, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, खेल खत्म। ना तो बाजार ने फिर बाद में हमें टॉप दिया, ना तो बॉटम दिया, क्या बाजार ने यूएस यू आर आया, वापस देखिए यहाँ पर चेक खोलिए, क्या यू आर आया, डे हाई आया, नहीं आया, क्या यूएस आया, नहीं आया, नहीं आया तो हमें ट्रेड नहीं करना है। वैल्यूज का वेट करके सॉलिड तरीके से ट्रेड करेंगे तो बाद में बनेगा, बाइंग में पैसा बनाया जा सकता है तभी, ठीक है। तो मिलता हूँ सभी लोग से नेक्स्ट डे कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में और कल के लाइव बाजार में, मतलब मंडे को आप लोग से मैं मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए अपने चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर तक आपने अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, प्रॉपर बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए, बिना सीखे बाजार में ट्रेड ना करें। हर दिन वीडियोज आ रही हैं आप लोग के लिए, लाइव स्ट्रीम्स आ रही हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, ओके। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।